सम्मेलन एवं जय किसान ऋण माफी योजना तथा किसान सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं विशेष अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री इमरती देवी मौजूद रही। सर्वे सर्वा हैं या हमारे मार्गदर्शक प्रेरणा को माननीय सरमंत्री महोदय सिसोदिया साहब। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं गुना के प्रभारी मंत्री इमरती देवी का एक अलग ही रूप देखने को मिला, जब सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया श्रमिक महिलाओं को सर्टिफिकेट बांट रहे थे। उस समय उनके साथ आए बच्चों को प्रभारी मंत्री ने अपनी गोद में ले लिया ताकि वे सर्टिफिकेट इत्मीनान से ले सके। इतना ही नहीं, वे उन बच्चों को प्यार एवं दुलार करती भी नजर आईं। इस मौके पर प्रभारी मंत्री इमरती देवी ने मंच पर से यह आह्वान किया कि वह चाहती हैं कि गुना से प्रियदर्शनी राजे एवं ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़े। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि इन दोनों के जीतने की जिम्मेदारी प्रभारी मंत्री इमरती देवी की रहेगी। और हमारी विधवा विकलांग हमारी बहनों को जो पेंशन मिलती है, पहली सरकार 300 रुपए देती थी और हमारी सरकार श्रीमंत महाराज साहब के आशीर्वाद से 600 रुपए और जो 70 साल का होगा उसे 1000 रुपए वितरण होंगे। और महाराज साहब तो हमारे, आप सभी जानते हो कि गरीबों के मसीहा हैं। आज इस मंच पे मैं खड़ी हूँ कि जो हमारी सरकार की मंशा है उस मंशा पे आप खड़े उतरे और हमारे श्रीमंत महाराज, एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि महाराजा साहब ग्वालियर से चुनाव लड़े और हमारी महारानी साहब गुना से चुनाव लड़े हमारी महारानी साहब, और मैं महारानी के साथ रहूंगी हर वक्त। महाराज साहब ये मैं आपसे मन से वादा करती हूँ कि हम गुना के प्रभारी होते हुए, अरे 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 महाराज साहब गुना के प्रभारी होते हुए हम महारानी साहब को अच्छे से अच्छे वोटों से यहाँ से सांसद बना के ले जाएंगे और आप सिर्फ ग्वालियर में फार्म भर के और उत्तर प्रदेश चले जाओ, आपको ग्वालियर से सबसे ज्यादा वोटों से हम जिताएंगे। और हमारी ये जनता, हम महाराज साहब आपके सब सिपाही हैं, ये सिपाही आपके वजह से दोनों जिलों में ग्वालियर और गुना में महाराज साहब आपके ये सिपाही आपके चुनाव में एक एक घर एक एक कॉलोनी एक एक पोलिंग पर जाके हम काम करेंगे। और हमारी मंशा है कि आप सभी हाथ उठा के कहें कि हम महारानी साहब को अच्छे वोटों से जिताएंगे। धन्यवाद। इसके साथ ही सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कांग्रेस सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए जमकर लोगों का अभिवादन किया। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों की सोच केवल कुछ गिने चुने उद्योगपतियों तक ही है, वहीं इन लोगों के विकास तक ही वे देश का विकास समझते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि कांग्रेस सरकार फिजूल खर्ची में विश्वास नहीं रखती। अगर फिजूल खर्ची करने वाली भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार होती तो आज एक ही टेंट के नीचे 3 कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी की तरह अलग अलग कार्यक्रमों को अलग अलग तरीके से किया जाता और उनका जमकर प्रचार प्रसार भी किया जाता। भिन्नता आती है, पूर्व की सरकार और वर्तमान के सरकार के बीच मोदी जी और शिवराज जी इस बात में विश्वास रखते हैं कि भारत की प्रगति भारत का विकास केवल वो 15 चुने गुने हुए उद्योगपति से संभव हो सकता है। और इसलिए इनकी नीति इनकी सोच इनकी विचारधारा केवल उन लोगों तक सीमित रहती है कांग्रेस की सोच राहुल गांधी की सोच ज्योतिरादित्य सिंधिया की सोच इस बात पर पैर रखकर आगे चलती है कि भारत का विकास होगा भारत का प्रगति होगा
तो मुट्ठी भर लोगों से नहीं हो सकता, जनमानस के आधार पर होना होगा।